हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27 तक। सन मून राइजिंग से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। उसकी डिटेल्स के लिए ईमेल कीजिए ihiltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप एजुकेशनल वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ओके, हर महीने आपको 2 एजुकेशनल वीडियोस जो हैं डिलीवर होंगी, आपको उसकी एक्सेस मिलेगी। ये जो एजुकेशनल वीडियोस, इनका जो कंटेंट है बहुत स्पिरिचुअल कंटेंट होने वाला है। ओके, तो ये आपको बहुत मदद कर सकती हैं स्पिरिचुअल, आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में। जो इस महीने की पहली एजुकेशनल वीडियो है वो मैंने कल ही पोस्ट की है, और टॉपिक यही था कि अनकॉन्शियस या टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे डील करें, अपने एग्जिट पॉइंट्स को कैसे पहचानें। ओके, कैसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकलें। तो होम पेज पर है, यहाँ पर मेरे ज्वाइन बटन की इन्फॉर्मेशन, आप देख लीजिएगा अगर आपका मन है मुझे ज्वाइन करने का। ओके, ऑल राइट कैंसर, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, वी हैव एस ऑफ वांड्स, Six of Wands, Six of Swords, King of Pentacles, Seven of Pentacles, Wow, Five of Swords, The Lovers, Two of Pentacles, Page of Swords, Five of Cups, Ace of Swords, जजमेंट। ये ऑन गोइंग एनर्जी है कैंसर, विच मीन्स कि ये सिर्फ इस हफ्ते की ही ऊर्जा नहीं है, ये अभी भी चल रहा है आपके साथ। ओके, तो वही ऑन गोइंग एनर्जी आपके नेक्स्ट वीक में भी जा रही है। और ऑन गोइंग एनर्जी क्या है, आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो बेसिकली आपकी खुशियों की जो ऊर्जा है उसे ब्लॉक कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए, लो वाइब्रेशंस की एनर्जी से, और इनका आपके ऊपर असर इस वजह से है क्योंकि आपके इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं। इमोशनल कॉर्ड्स हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मेंटल कॉर्ड्स हैं, जिसके आप जहाँ जाते हो ये पीछे पीछे आपके आ जाते हैं। अब विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स एनर्जी एंड देन सिक्स ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आपकी न्यू बिगिनिंग्स में भी खड़े होते हैं। तो ऐसे आपकी बहुत स्ट्रांग जो है कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं इन लोगों से, और यही वजह है कि आपके जीवन में सक्सेस आती है लेकिन टिक नहीं पाती, खुशियाँ आती हैं लेकिन टिक नहीं पाती। हालांकि डुअलिटी में हम बैठे हैं, सब कुछ ही टेम्पररी है, लेकिन आपके केस में तो ऐसा हो रहा है कि आई और गई, और या फिर कह लीजिए कि बहुत सारा ऐसा इम्बैलेंस ही क्रिएट हो गया खुशियों के ही बीच में कि वो खुशी खुशी ना रही। ओके, सो यस, आपको यहाँ पर इस वीक में भी इस एनर्जी से हो सकता है कि गुजरना पड़े, और ये यही वजह है क्योंकि आपकी खुद की कॉज जुड़ी हुई हैं। आप खुद इन लोगों के जो भी कह लीजिए ये सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू नो, आप कह लीजिए उसमें रिएक्शंस दे रहे हो, आप उसमें बेसिकली आप अपना योगदान ऐड करें, कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, और आपको वो नहीं करना है क्योंकि वही कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन है जो आपकी कॉज को और मजबूत कर रहा है, उसमें और गांठें डाल रहा है, तो उसकी वजह से उसे सुलझाना भी मुश्किल होगा। ओके, तो ये विद द जजमेंट कार्ड, जो आखिरी कार्ड है आपका, ये आपके लिए वेकअप कॉल है। ये रीडिंग आपके लिए वेकअप कॉल है, या तो इसके उस पार या फिर उसके इस पार, इस रीडिंग के बाद यही दो चीज़ें हैं। या तो आप कॉन्टिन्यूसली वही कर सकते हैं जो अभी तक आप कर रहे हो, उन गांठों को मजबूत कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ओके, ये मेरी समस्या है और मुझे इसको ठीक करना है। ओके, सो जजमेंट कॉल ये आपकी वेकअप कॉल है, और आपसे कहा जा रहा है जागो, पहचानो। ये कहना कि ये मेरे जीवन में लोग क्यों मौजूद हैं, ये कहने की जगह कि ये कहो कि मैं इन लोगों के साथ क्यों जुड़ा हुआ हूँ, मैं इन लोगों को अपनी एनर्जी क्यों देता हूँ, मैं क्यों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं क्यों पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना सोचता हूँ इन लोगों के बारे में, इन लोगों की जगह मैं कहीं कुछ और नहीं सोच सकता क्या। ओके, आपको थोड़ा खुद को खुद को खोलना होगा, खुद को कह लीजिए कि यहाँ पर खुद को डिस्कवर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर यही एक वो एनर्जी है जो आपको डिफरेंट पाथ के साथ भी जोड़ सकती है, क्योंकि इस समय आपके माइंड में ये लोग बैठे हुए हैं, वो कॉड्स मजबूत पर मजबूत होती चली जा रही हैं। ओके, आपको सोचना होगा खुद के बारे में, मैं कौन हूँ,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पिरिचुअल जर्नी में. लेट्स से कि अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं पूछना है तो आप सिंपल क्वेश्चन पूछिए कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, और इसको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं, खुद से पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करने की ज़रूरत है इस समय. क्या मुझे ब्रश करने की ज़रूरत है, चलो मैं ब्रश कर लेता. अगर मुझे कपड़े धोने की, अगर मेरे कपड़े पड़े हैं, लॉन्ड्री पड़ी है, तो ये सिंपल स्टेप्स आपको लेने होंगे ताकि आप जो है जो माइंड में इतनी कॉर्ड्स जोड़ रखी हैं आप उसको थोड़ी ढील दें और आप और चीज़ों के बारे में यहाँ पर सोचना शुरू करें. ओके, अगेन मैं कह रही हूँ, दिस इज़ योर वेकअप कॉल. अब नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो सकती है. ये लोग बहुत जैसे बुरी नज़र के साथ मंडरा रहे हैं आपकी अबंडेंस के ऊपर, आपके रिजल्ट्स को यहाँ पर वो स्लो डाउन कर देते हैं. ओके, इस इसके ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत सोललेस लोग, जैसे जैसे इनकी खुद की जैसे आत्मा ही ना हो. मुझे बहुत जैसे एनर्जी वैम्पायर्स हों वैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर. और ऐसा नहीं है कि आपके लिए खुशियाँ नहीं हैं, आपको ब्लेसिंग समय समय पर मिलती रहती है. इस इसके बहुत सारे ब्लॉकेजेस बैठे हुए हैं यहाँ पर. यहाँ पर लव लाइफ में भी आई बिलीव कुछ लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो एक्चुअल में आपके सोलमेट नहीं हैं, जो आप एक्चुअल में आपके ट्विन फ्लेम नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है. और ये भी कहीं ना कहीं इस समय आपकी सैडनेस का भरपूर मात्रा में कह लीजिए कि रीज़न बना हुआ है, रीज़न बैठा हुआ है इसका कि आप सैड क्यों हो, अगर आप खुद से पूछो, क्योंकि आप सही पार्टनर के साथ यहाँ पर डील नहीं कर रहे. जब हम सही पार्टनर के साथ डील कर रहे होते हैं तब हमारा हार्ट चक्रा जो है ओपन रहता है, हमारी असेंशन होती है, हम बर्बादी के रास्ते पर नहीं तो चले जाते. ओके, लेकिन यहाँ पर विद द फाइव ऑफ कप्स एनर्जी बहुत सारी सैडनेस है आपकी स्टेबिलिटी में भी, आप अपने करियर में भी मुझे लॉस लग रहे हो. सो ये मत कहिए कि ये लोग बुरे लोग क्यों हैं मेरी लाइफ में, ये कहिए कि आप क्यों इनके साथ कनेक्टेड हो अभी भी. ओके, ये जो शैडोज हैं स्पिरिट, इनके बारे में प्लीज हमें थोड़ा और बताइए. आपकी मति खराब कर देते, जैसे आपकी मत, आपकी बुद्धि, जैसे आपकी बुद्धि इन लोगों के इर्द गिर्द बिल्कुल बंद हो जाती है, दिमाग बंद हो जाता है. जैसे आपका किंग ऑफ सोल्स है और एट ऑफ सोल्स, जैसे आपके सोचने समझने की शक्ति जो है वो चली जाती है इन लोगों के इर्द गिर्द, जैसे आपके माइंड को ही इन्होंने ट्रैप करके रखा हुआ है. ओके, मैं आपको सलाह दूंगी, सरस्वती माता का आह्वान करें, सरस्वती माता का मंत्र जाप. आपको मंत्र जो है ऑनलाइन मिल जाएगा फ्री में. अगर बोल नहीं सकते हैं तो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी. माँ सरस्वती को बुलाइए, वो आपको रेस्क्यू करेंगे. ओके, माँ सरस्वती से कहिए कि हे माँ, मेरा जो दिमाग है, मेरी जो बुद्धि है, अगर ये किसी के भी कब्जे में है तो मुझे वहाँ से आज़ाद कीजिए, मेरे सोचने समझने की शक्ति बढ़े ताकि मैं सही डिसीजंस ले सकूं. ओके, तो डेफिनेटली आपको माँ सरस्वती का आह्वान करना चाहिए. स्पिरिट मुझे यहाँ पर ये जो एस ऑफ वॉन्स है और सिक्स ऑफ वॉन्स की ब्लेसिंग है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आप जो हैं सही लोगों को नहीं पहचान पा रहे हो कैंसर. सिक्स ऑफ वॉन्स में भी बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कुछ लोग आपके अपने हैं और कुछ लोग आपके अपने नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जब आपकी कोई सक्सेस मैनिफेस्ट होती है, कोई आपके जीवन में खुशी आती है, तो जितने लोग भी आपको कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं वो सारे ही अच्छे होंगे. लेकिन सच्चाई ये है कि जो जितने भी लोग आपको कंग्रेचुलेशंस या मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, इनमें से आधे लोग सच्चे हो सकते हैं लेकिन आधे लोग झूठे भी हैं. सिर्फ आपके साथ वो खेलना चाहते हैं या आपको अपना बनाकर रखना चाहते हैं, यू नो, किसी भी किसी कह लीजिए कि उनके किसी प्लान के लिए. सो विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको देखने की क्षमता भी बढ़ानी होगी, ऑब्जर्व करना सीखिए. ओके, ज़रूरी नहीं है कि जिसके मुंह से जो निकल रहा है वो सच हो, तो इस एबिलिटी को आपको यहाँ पर सीखना होगा. मैं आपको कहूँगी कि अपने से बड़ी जो महिलाएं हैं उनकी लाइफ को देखिए. ओके, वो लोगों के साथ डील करते वक्त कैसी बाउंड्रीज का इस्तेमाल करती हैं. आप अपनी मामा की लाइफ को ही ऑब्जर्व कर सकते हो, आपकी मॉम की लाइफ भी आपको ये एबिलिटी के साथ जोड़ सकती है कि कैसे पहचानना है लोगों को. पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी मॉम को दरअसल लोगों को पहचानने की बहुत बढ़िया, मतलब उनके पास ये क्वालिटी है, वो फट में ऐसे जान सकते हैं कि ये पर्सन झूठा है या सच्चा है. सो बी लाइक योर मदर कैंसर. आपके घर में ही टीचर है अगर, तो उनका उनसे मदद लीजिए यहाँ पर.
ओके क्योंकि मुझे इस वीक में भी आपके लिए ब्लेसिंग्स दिख रही हैं वॉन्स की. वॉन्स बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी इंस्पिरेशन को लेकर आती हैं. ऐसी सक्सेस जिसकी वजह से हमको लगता है कि मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और काम करना है, मुझे अपनी सक्सेस को और डबल करना है, प्रोग्रेस लेकर आनी है, तो वो मुझे दिख रहा है आपके लिए. लेकिन इसके चलते आपको पहचानना होगा कि कितने लोग आपके साथ हैं और कितने लोग आपके विरुद्ध हैं. ओके और उसमें आपके आपके घर की जो बड़ी महिलाएँ हैं, आपकी मॉम या आपकी बड़ी सिस्टर, वो आपकी मदद कर सकती हैं. जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का मैसेज है, प्लीज इसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन. वी हैव डेथ कार्ड, वी हैव टेन ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स. आई थिंक अगर आप अपने रिलेशनशिप में थोड़े कड़वे हो गए या थोड़े कठोर हो गए, या पहले बहुत हंसते थे, बहुत इनोसेंट एनर्जी से भरे हुए थे, आपके मन में छल कपट नहीं था, आप इन चीज़ों से ज़रा परवाह नहीं करते थे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन अब आप ये करने लगे हो, तो वो साइन है कि आप एक रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे हो. लेकिन अगर आपकी इनोसेंस अभी भी बरकरार है, आपको इस चीज़ से परवाह नहीं है कि आपके पार्टनर जो हैं किसकी पिक्चर्स को लाइक कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, वो कहाँ नहीं हैं, तो यस, इसमें कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस चली गई, आपका विश्वास चला गया, तो वो एक साइन होगा कि आप गलत पर्सन से डील कर रहे हो. तो अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से इस एनर्जी को देखिएगा. एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव दिस डेथ कार्ड. जिसको इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो इस वीक में अवेलेबल है. आपको आपके इस पार्टनर की भी, वो आपको क्या देते हैं इससे ही पता चल जाएगा कि जो आप चाह रहे हो क्या वो वही है जो आपको दे रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर एस की एनर्जी है और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है. आप चाह कुछ और रहे हो, आपको मिल कुछ और रहा है, और इस वीक में ये और भी अच्छे से रिवील होगा आपके रिलेशनशिप्स में, और ये डबल कन्फर्मेशन होगी. ओके कि क्या ये सही पार्टनर है या नहीं है, क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. एंड दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ योर वेकअप कॉल कैंसर. ये जब कार्ड आ जाए तो ये कहीं ना कहीं इशारा देता है कि अगर ये जो साइंस आपको दिए जा रहे हैं आपने इनको नहीं फॉलो किया, तो जो आने वाला आउटकम है वो कुछ ऐसा हो सकता है, या तो वो बहुत अच्छा हो सकता है या फिर वो बहुत भयानक भी हो सकता है. ओके एंड दैट इज़ वाई मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्ड को इस वीक में ना भूलें, जजमेंट कार्ड को. ये इम्पॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए. इन साइंस को फॉलो करना होगा आपको. ओके आपको कहा जा रहा है कुछ भी ऐसा मत चूज कीजिए जो आपसे आपकी मासूमियत खो दे, आपसे छीन ले बेसिकली आपकी मासूमियत को. इज देयर एनी अदर मैसेज? ये किंग ऑफ पेंटिकल्स किस पोटेंशियल को दर्शा रहा है कैंसर साइन के लोगों के लिए? मैं ये तीन कार्ड लेना चाहूंगी. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स. वाटर है और एयर है. अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपके यहाँ पर, फाइनेंशियल से मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंसिस के अगर आपके यहाँ पर इश्यूज हैं यहाँ पर, तो आपको साउंड थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए. ओके साउंड थेरेपी के साथ साथ वाटर एनर्जी का भी इस्तेमाल करें. आप अगर आपके पास कोई सिंगिंग बॉल है यहाँ पर, बुढ़ा बॉल जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप पानी डालकर भी साउंड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई साउंड आप सुन भी सकते हैं अगर आपको यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो मिल जाए. इस जिसकी म्यूज़िक की ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने में इस वीक में मदद कर सकती है. ओके आपके घर में अगर पैसा भी रुक जाता है, मतलब काम तो किया लेकिन घर वालों का भी पैसा कहीं ना कहीं रुका है और घर में बहुत स्ट्रेस है, तो आपको यहाँ पर साउंड थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए. आपके फाइनेंसेस में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है कैंसर. ओके तो ये एक मैसेज है आपके लिए. लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर हमें क्या बताते हैं. सी द बिगर पिक्चर. यस डिटेल्स मिस हो रही हैं आपसे, लेकिन इस वीक की सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि डिटेल्स ही दिखाई जाएंगी, साइंस ही सारे दिए जाएंगे, एंड यू विल नो कि आपके साथ जो हो रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है. ओके सो यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर कैंसर. एंड देन वी हैव ट्रस्ट ऑल विल बी वेल. यस अगर आप बड़ी पिक्चर देख लो और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको
डराएं या फिर आपको लगे कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था नाज़, और हो सकता है कि आप हर्ट भी हों क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ कप से मुझे सैडनेस भी दिख रही है आपके लिए. बट यस, इस सैडनेस के जब ये सैडनेस का माहौल भी बने उस समय भी इस मैसेज को याद करना कि ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, एंड में सब अच्छा ही होगा आपके साथ. ओके, ऑलराइट कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग. होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं. ओके, टेक केयर, बाय.